हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। मेरे वाइफ के जो मायके में एक फंक्शन था, उनकी कुलदेवी का जो प्रतिष्ठा थी, वहाँ का जो वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। आगे जो वीडियो के बारे में जो बताएंगे मेरे वाइफ ही आपको बताएंगे, तो आगे वही कहेगी आप, उनकी आवाज़ में सुनिए। हेलो गाइस, मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकल गई थी, तो मैं ज़्यादा आपको रास्ते का कोई व्यू दिखा नहीं पाई, तो मैं आपको अपने घर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। गाइज़, ये है मेरे मम्मी डैडी का घर और डैडी अभी यहाँ वॉक कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको अपना पुराना घर दिखाती हूँ जो मेरे दादा दादी के टाइम का बना हुआ है। तो ये है मेरा पुराना घर। दादा दादी के टाइम के जो घर होते थे वो उस टाइम मिट्टी और लकड़ के बनाए होते थे, तो ये घर आज भी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो डैडी ने अभी भी इस घर को ऐसे ही मेंटेन रखा हुआ है और अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत जालियाँ पड़ी हुई है, नट्स है सेब के, और मैं इनसाइड आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, मम्मी ने अभी लॉक किया हुआ है। जहाँ हम अभी रहते हैं और मेरी बहन का बेटा भी यहाँ खेल रहा था, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ इस घर का व्यू और थोड़ा सा सामने का व्यू दिखाती हूँ। गाइस, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको मंदिर का व्यू। मंदिर में जो 9 दिन का फंक्शन था, मैं उसके थोड़ी थोड़ी आपको कुछ एक क्लिप्स दिखाती हूँ, बट मैं तो 2 ही दिन जा पाई। बट ये है थोड़ा सा, मैं आपको मंदिर का व्यू, आप देख लो किस तरह से हमारा मंदिर सजा हुआ था कुलदेवी का। ये फंक्शन है देवरी माता का, जिन्हें पचलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अब माता रानी अपने सभी भक्तों को दर्शन दे रही है और आज जो यहाँ पे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले माता रानी सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। अभी सुबह पहले माता रानी की पूजा होती है, उसके बाद यहाँ से इन्हें दूसरे नए स्थान पर ले जाया जाएगा, इसीलिए माता जी की पहले यहाँ पे थोड़ी पूजा प्रार्थना की जाती है। अब मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया था। यहाँ पे जितने भी आसपास के इलाके थे सभी लोग आ चुके थे। यहाँ पे मेरी कजन्स बैठी हुई हैं। आज यहाँ पे 6-7 देवी देवता माता रानी की प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब हम मंदिर के बाहर आ गए थे सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए। यहाँ पे आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और हम लोग भी पास के ही घर में अपनी जगह बनाए बैठे हुए थे ताकि हम सामने से देवी देवता के दर्शन कर सकें। अभी सब लोग माता रानी के दर्शन स्क्रीन से कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे लोगों को माता रानी और देवी देवताओं को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए स्क्रीन का प्रावधान किया हुआ था कमेटी ने। ये
अपू अभी मत जा। अच्छा चल, अच्छा मेरे को लगा परे जा रही है, कभी मत जा। गाइस यहाँ आपको दो छत्तर दिखाई दे रहे हैं, जो आगे छत्तर है वो माता रानी का है और जो पीछे छत्तर है वो देवता जी का है जो यहाँ आ रहे हैं। और जो ये स्थान है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देवी देवताओं को बिठाया जाएगा। जो पेड़ों के बीच आपको कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस समय माता रानी देवता जी को लेके आ रहे हैं, इसीलिए लोग सामने से हट रहे हैं।
गाइस यहाँ पे 18 से 20 हज़ार लोग देवी देवताओं के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ बैठी हुई है। अब हम यहाँ से भंडारा खाने जा रहे हैं। खाने का जो प्रबंध था वो मंदिर से थोड़ा सा दूर था, तो हम यहाँ से थोड़ा ऊपर खाना खाने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे जब हम खाना खाने जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक और देवता जी के दर्शन हो गए, जोगेश्वर महादेव के। दर्शन करने के बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। सोचो कितने लोग हैं। ये मेरे भाभी हैं और ये है मेरे फ्रेंड, और जो सामने येलो सूट में है ये है मेरे मामू की बेटी। नाग देवता जी जो कि इंग्लैंड से आए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ स्वीट्स और खिलौनों की शॉप्स थी जो कि मैं आपको भीड़ की वजह से ज़्यादा दिखा नहीं पा रही थी। देवता जी और माता अभी मिल रहे हैं और लोग उनके दर्शन कर रहे हैं।
देवता जी आए हैं जिनका नाम है कनेवीनाग। अब माता रानी की बहन भी आ गई है जिनको बूढ़ी नागिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिष्ठा में जो आखिरी देवता जी भी पहुंच चुके हैं, ये देवता जी हमारी माता के भाई रामपुर से देवता जम्बू जी हैं। ये हम अगले दिन सुबह आरती के लिए पहुंच गए थे। आज देवी देवताओं की विदाई का दिन था, इसीलिए हम सभी देवी देवताओं के दर्शन कर रहे थे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। गाइस, अब मैं अपने घर शिमला जा रही हूँ। ये है सतलुज रिवर का व्यू, आप लोग प्लीज़ देखिए। अब मैं शिमला पहुंचने वाली हूं। ये है हसन वैली का व्यू। अब मैं ये वीडियो यहीं एंड करने जा रही हूं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।